हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम एक सेकेंडरी सर्वर क्रिएट करेंगे जो कि डीएनएस बैकअप का काम करेगा। चेक करेंगे कि हम डीएनएस बैकअप कैसे बनाते हैं और डीएनएस के जो जोन है, जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में, उसे हम सेकेंडरी सर्वर में कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैं आपको यहाँ पे मैकेनिज्म बता देता हूँ। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले मेरे पास एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। इसमें ये विंडोज सर्वर 25 है, 2025 सर्वर है। इसमें डीएनएस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और हम एक सेकेंडरी सर्वर क्रिएट करेंगे जिसमें डीएनएस रोल इंस्टॉल करेंगे और इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ताकि आपस में कनेक्टेड हो सके। डोमेन जो होगा मेरे पास raymond.com है। इसके साथ इसका जो हम स्टेप फॉलो करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डीएनएस रोल जो है सर्वर में, जो हमारा यूजर सर्वर है उसमें डीएनएस रोल इंस्टॉल करेंगे। फिर एक सेकेंडरी जोन क्रिएट करेंगे यूजर मशीन पे ही, यानी जो नया सर्वर हमने क्रिएट किया उसमें सेकेंडरी जोन क्रिएट करेंगे जो कि रीड ओनली फॉर्मेट में होगा। और इसके बाद हम प्राइमरी डोमेन से सेकेंडरी जोन, प्राइमरी सर्वर से सेकेंडरी सर्वर पे जोन ट्रांसफर करेंगे। तो चलते हैं अपने सर्वर पे। तो ये मेरा है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और ये है मेरा यूज सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर, सेकेंडरी सर्वर। इसका डीएनएस ओपन करो। ओके, डीएनएस ओपन हो चुका है और अगर आप अभी देखोगे तो इसमें ये दो एंट्रीज हैं, इसमें ये अपडेटेड है। अब मैं चलता हूँ सेकेंडरी डोमेन, सेकेंडरी सर्वर पे जो कि हमारा बैकअप करेगा जोन पे। तो इसका सर्वर मैनेजर ओपन करते हैं। सर्वर मैनेजर ओपन हो जाओ, ठीक है। अब टूल्स पे चलते हैं। इस पे मैंने जो ये डीएनएस का रोल है ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है और आपको डीएनएस का रोल इंस्टॉल करना है तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, ऐड रोल एंड फीचर पे जाओगे, उसके बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और ये जो डीएनएस सर्वर है ये आपको इंस्टॉल करना है। तो जैसे कि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो मैं दोबारा नहीं करूँगा इसे, तो हम डायरेक्ट चलते हैं डीएनएस पे। अब आप देख रहे हो कि ये जो नाम है ये मेरे सेकेंडरी सर्वर का नाम है, यानी कि सर्वर का नाम है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेकेंडरी सर्वर का नाम होगा, ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे अब हम जाएंगे, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पे ये सारे फीचर्स दिख रहे हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन। तो अगर आप अभी से एक्सपेंड करोगे तो आपको यहाँ पे कोई जोन नहीं मिलेगा क्योंकि अभी ये ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक नया जोन क्रिएट करना है। मैं आपको पीपीटी के बेसिस पे बताता हूँ। ओके, यहाँ पे हम एक सेकेंडरी जोन क्रिएट कर रहे हैं सर्वर टू पे, जो कि हमने, जो कि एक्ट करेगा बैकअप के लिए। यहाँ पे हम प्राइमरी डोम जोन ना लेके सेकेंडरी जोन लेंगे। ये जो होगा जितनी भी डीएनएस एंट्रीज होंगी सब यहाँ कॉपी कर लेगा और ये एक्ट करेगा सेकेंडरी जोन एज अ बैकअप। आप यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे मतलब, लेकिन ये बैकअप करेगा सर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अपना डोमेन नेम डालेंगे, जो डोमेन नेम है मेरा प्राइमरी डोमेन का, जो डोमेन नेम है वो है raymond.com। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको आईपी जो देना है आपको प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का देना है। तो पीपीटी पे चलते हैं। यहाँ पे आईपी जो है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का है 10.0.0.0.25। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ एक बार, ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। ओके, 10.0.0.0.25। तो ये यूजर पे आ गए हम, यहाँ पे हम डालेंगे 10.0.0.0.25। ये हो गया, इसको नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। तो अभी आप देखोगे तो अभी जोन यहाँ पे आपको शो नहीं होंगे क्योंकि अभी हमने ट्रांसफ़र नहीं किया है। ये तो मेरा ये आधा काम हो गया। अब हम जाएंगे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे। अब हम इसके टूल्स पे ओपन करेंगे डीएनएस। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पे ये सारी एंट्रीज हैं। तो जोन ट्रांसफ़र करने के लिए आपको अपने डोमेन पे जाना है
रेमन.com पे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे जाके, रेमन.com पे जाके प्रॉपर्टीज में जाना है। अगर आपने देखा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जोन ट्रांसफर, तो जोन ट्रांसफर में अब आपको क्लिक करना है अलाउ जोन ट्रांसफर और ओनली टू द फॉलोइंग सर्वर। फॉलोइंग सर्वर पे जाके एडिट क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आपको देना है आपको सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस 10.0.0.0.22। ये सर्वर 22 है इसलिए मैंने 22 डाला है, ये सर्वर 25 इसलिए मैंने यहाँ पे 25 डाला था। तो यहाँ पे डालेंगे 10.0.0.22। अभी ये जो बता रहा है कि सर्वर विद आईपी एड्रेस इज नॉट अथॉरिटी, तो ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ है। तो आप इसको ओके करोगे, अब आपको यहाँ पे करना है नोटिफाई। यहाँ पे अभी आपको डालना है, यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करना है, आईपी एड्रेस आपको डालना है सेकेंडरी सर्वर का। ये वैलिडेट होता रहेगा, ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है, डिपेंड करता है आपकी कॉन्फ़िगरेशन पेज पर। आप इसे ओके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं और ये कर देते हैं। तो हमारा जो डीएनएस जोन है, एक बार दोबारा चेक करते हैं कि ये ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। जोन पे जाके ओके, अभी ये प्रोसेस में है लेकिन ये हो भी सकता है। तो अब हम चलते हैं सेकेंडरी जोन पे, चलते हैं सेकेंडरी सर्वर पे चलते हैं। इसको मैं करता हूँ क्लोज और इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश। थोड़ा टाइम लेगा ये जब तक यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो। वेट करते हैं, वेट तो करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। टेस्ट के लिए यहाँ पे एक मैं रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, ABC टेस्ट। लेट्स से 50 ओके डन। अब चलते हैं सेकेंडरी पे ओके। तो ये देखा आपने कि अब ये जो है रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये जो है जोन जो है सारा ट्रांसफर हो चुका है। अब मैंने ये जैसे कि सेकेंडरी जोन यहाँ पे क्रिएट किया है, तो ये आप इसे जो है यहाँ पे डिलीट नहीं कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपको राइट क्लिक करना है इस पे जाके, तो आपको यहाँ पे कोई भी डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो और अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो ये भी जो है ब्लर हुआ पड़ा है, तो आप ये डिलीट नहीं कर पाओगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कि आप कैसे डीएनएस का बैकअप कर सकते हो, एक सेकेंडरी क्रिएट कर सकते हो। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप जरूर देख पाएं।